हेलो दोस्तों, मेरा नाम रवि सिंह है। मेरी वीडियो अंत तक जरूर देखें। हमारा आज का टॉपिक है निषेचन, यानी कि फर्टिलाइजेशन, जो पौधों में होता है। निषेचन की क्रिया से पहले एक और क्रिया होती है जिसको हम बोलते हैं परागण, यानी कि पॉलिनेशन। उसको समझना बहुत ज़रूरी है। परागण की क्रिया में क्या होता है, जो पौधे होते हैं, पौधे कई आप देख रहे हैं, ये फीमेल पार्ट है और ये मेल पार्ट, यानी कि ये गाइनोसियम है और ये इतना गाइनोसियम है और ये एंड्रोसियम है, यानी कि ये मेल पार्ट है और ये फीमेल पार्ट है। ठीक है, तो परागण की क्रिया में क्या होता है, ये जो पॉलन सैक होते हैं उसके अंदर परागकण होते हैं, यानी कि मेल गैमिट। वो यहाँ तक कैसे पहुँचते हैं, जैसे कोई चिड़िया या तितली उसका रस चूसने के लिए जब आती है तो उसके पाँव या किसी पंख किसी भाग से चिपक के परागकण यहाँ आ जाते हैं, या हवा के द्वारा। इस पूरी क्रिया को यहाँ से परागकण का वर्तिकाग्र तक पहुँचना ही परागण कहलाता है। ठीक है, ये इस पूरी क्रिया को परागण कहते हैं। उसके बाद चालू होता है निषेचन की क्रिया। निषेचन की क्रिया चार चरणों में पूर्ण होती है। पहला, परागकणों का अंकुरण। परागकणों का अंकुरण जो बोला कि ये जो परागकण है, यहाँ जो जो परागकण यहाँ से जा वर्तिकाग्र में जाएगा, तो यहाँ जाने के बाद एक ट्यूब जैसा निर्माण करती है। ये जो ट्यूब परागकण, ये जो दिख रहा है जर्मपोर, यहीं से ट्यूब का निर्माण होता है। फिर वो ट्यूब ऐसे जाके बीजांड में प्रवेश करती है। परागकणों का वही अंकुरण होता है, यहाँ की मतलब नली का बनना शुरुआत होता है। फिर दूसरा आता है पराग नलिका का पथ। यही जो ट्यूब बनेगा, मतलब उसका पथ, वो कैसे होके कहाँ से जाएगा। तीसरा, पराग नलिका का भ्रूण कोष में प्रवेश, यानी कि वो जो नली बनेगा वो कैसे जाके प्रवेश करेगा, कहाँ प्रवेश करेगा। चौथा है युग्मकों का संग्रहण। इस नलिका में ही ये जो अंदर उसके मेल गैमिट रहेंगे, जैसे कि ये आपका परागकण होगा, परागकण के अंदर ही मेल गैमिट होता है, वो मेल गैमिट इस ट्यूब के द्वारा ये फीमेल पार्ट जो यहाँ पर दिख रहा है आपको, बीजांड में जाकर सम्मिलित होता है और द्विगुणित सेल का निर्माण करता है, जो आगे चल के युग्मनज बनता है। तो ये पूरी प्रक्रिया आइए समझते हैं इसके मतलब मेन डायग्राम में। जो तो ये हो गया उसका पूरा डायग्राम। इससे आप समझ सकते हो कि निषेचन किस प्रकार इसमें होगा, ये आप देखते हैं। तो पहला चरण इसका बताया था मैं, परागकणों का अंकुरण। ये जो परागकण है वो पॉलिनेशन के द्वारा यहाँ तक पहुँचेगा। फिर ये यहाँ पर पहुँचने के बाद खाद स्टिग्मा, यानी कि वर्तिकाग्र में पहुँचने के बाद खाद्य पदार्थों को संग्रहित करके वो आकार में वृद्धि करने लगते हैं। आकार में वृद्धि करने के बाद इसकी जो ये बड़े रूप में है कुछ ऐसा दिखेगा। ये जर्म पोर से, यानी कि इंटाइन वाले भाग से, ये ट्यूब का निर्माण करती है। ये ट्यूब का निर्माण करती है, ये इस पूरे प्रोसेस को अंकुरण बोलते हैं, यानी कि इसका अंकुरण पॉलन ग्रेन का। अब ये अंकुरण करने के पश्चात इसका दूसरा जो चरण आता है वो है पॉलन ट्यूब का पथ, यानी कि पॉलन ग्रेन का उसका पथ जो बनेगा वो। तो दूसरे चरण में क्या होता है, ये अपने पथ का निर्वहन करते हैं कि कौन से रास्ते से उसको जाना है। ये यहाँ पर दो दो प्रकार से वो यहाँ प्रवेश करता है, या तो ये चैलेंजर वाले पार्ट से करता है, अंडर मतलब बीजान के चैलेंजर पार्ट ये होता है, यहाँ से प्रवेश करता है, और दूसरी प्रक्रिया में ये कहाँ से करता है, नीचे माइक्रोपाइल अंडद्वार के द्वारा। तो ज़्यादातर पुष्पों में लेकिन माइक्रोपाइल के द्वारा ही प्रवेश करता है पॉलन ट्यूब। तो ये उसका दूसरा चरण हो गया। तीसरा चरण था इसका, तो इसका तीसरा चरण है पराग नलिका का भ्रूण कोष में प्रवेश। ये भ्रूण कोष में, अच्छा ये पिछले जो दूसरे चरण बताया था, जब चैलेंजर भाग से प्रवेश करती है तब उसे चैलेंजोगेमी कहते हैं, और भ्रूण कोष इस भाग से जब प्रवेश करती है, यानी कि माइक्रोपाइल वाले भाग से, तब उसे पोरोगैमी कहते हैं। अब इसका तीसरा चरण आता है
पॉलन ट्यूब का भ्रूण कोष में प्रवेश, ये माइक्रोपाइल वाले भाग से प्रवेश करती है। तो यहाँ आपको नीचे में दो कोशिका दिख रही होगी, इसे बोलते हैं सहायक कोशिका यानी कि साइनर्गिड सेल, ये साइनर्गिड सेल। और उसके ऊपर होती है एग न्यूक्ली, यानी कि ये एग न्यूक्ली ही फीमेल गैमिट होता है, फीमेल गैमिट यही होता है एक कोशिका। और ये एंटीपोडल सेल जो चैलेंजर भाग में ऊपर में होती है, और ये ध्रुवी कोशिका होती है यानी कि पोलर सेल जो बीच में द्विगुणित होती है दो कोशिकाओं की। तो जब ये पॉलिन ट्यूब अंडद्वार में यहाँ प्रवेश करता है तो इसके प्रवेश करने से पहले ही ये नष्ट हो जाती है, ये साइनर्गिड की दो सेल, यानी कि वो प्रवेश करने से पहले भी नष्ट हो जाती है या प्रवेश करने के बाद, दोनों में से कोई भी स्थिति में वो नष्ट हो जाती है। उसके बाद जो एग न्यूक्लिया जो फीमेल गैमिट जो बचता है वो यहाँ देखिए दो मेल गैमिट, ये मेल गैमिट, ये मेल गैमिट अंदर जाने के बाद यानी कि ये पॉलिन ट्यूब अंदर जाता है और ये मेल गैमिट वहाँ पॉलिन ट्यूब जाके फट जाता है। पॉलिन ट्यूब फटने के बाद पॉलिन ट्यूब अंदर में जाके फटता है तो ये दोनों जो मेल गैमिट होता है वो स्वतंत्र हो जाता है। स्वतंत्र होने के बाद ये एक न्यूक्लिया जो दिख रहा है, एक न्यूक्लिया फीमेल गैमिट, वो एक कोशिका के साथ यानी कि मेल, दो मेल गैमिट स्वतंत्र किया उसमें से एक मेल गैमिट के साथ ये समलयन कर लेता है और द्विगुणित हो जाता है, यानी कि इस प्रकार द्विगुणित हो जाता है और ये दोनों नष्ट हो जाए रहते हैं पहले से। और एक जो कोशिका बचता है वो ये पहले से जो ध्रुवी कोशिका जो द्विगुणित है उसके साथ समलयित होकर त्रिगुणित बना लेता है, यानी कि इस प्रकार। इस प्रकार त्रिगुणित द्विगुणित कुछ इस प्रकार दिखेगा। साइनर्गिड सेल तो पहले से नष्ट हो जाते हैं और जो एक और ये एक, ये दोनों मिलके द्विगुणित हो जाते हैं, यही युग्मनज बनाता है। और जो यहाँ पोलर कोशिका दो पहले से थे उसमें से एक और मेल गैमेट जो होता है वो समलयित होके त्रिगुणित बना देता है, ये इस प्रकार की ये प्रक्रिया पूर्ण होती है। इसे दोस्तों दोहरा निषेचन भी कहते हैं, डबल फर्टिलाइजर, क्यों फर्टिलाइजेशन, क्योंकि इसमें दो बार निषेचन होता है, पहला निषेचन फीमेल गैमिट के साथ एक मेल गैमिट और दूसरा मेल गैमिट पोलर कोशिका के साथ होता है, इस कारण इसे दोहरा निषेचन भी कहते हैं। यहाँ मैं तीसरा और चौथा चरण एक ही में समझा दिया, यानी कि तीसरा चरण इसका था माइक्रोपाइल यानी कि अंड द्वारा प्रवेश करना और चौथा था इसका युग्मकों का समलयन, ये दोनों मैं एक ही में समझा दिया। तो इस प्रकार इसमें युग्मकों का समलयन होता है और ये पुष्प में जो निषेचन की क्रिया होती है उसका संपूर्ण भाग इसी प्रकार से उसमें चलता जाता है। तो दोस्तों अगर आपको इस वीडियो में कुछ समझ नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए, और मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि मेरी वीडियो की अपडेट आप तक पहले पहुंचे। थैंक यू।